सल्वाडोर डाली को आखिरी कॉल लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी, क्या हाल है? ये बस मैंने ये कम्युनिज्म और इसके ऊपर बात करनी थी जो ये बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये इक्वालिटी चाहते हैं हर चीज में। आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं आप कर सकते। और इसका बहुत ही बुरा नुकसान है जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं होती कि आप सारे आप भी वही काम करें, वो भी वही काम करे, दोनों को पैसे एक ही मिले। रिवॉर्ड रिवॉर्ड किधर गया? रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क किधर गया? आपको अगर मुझे पता है कि मैंने सिर्फ झाड़ू लगाऊंगा तो मुझे उतने पैसे मिल जाएंगे जितने डॉक्टर को मिलने हैं, तो मैं पागल का पुत्र हूं कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊं? नहीं, और बिल्कुल। और अगर हम एक बात देखेंगे, मुझे लगता है कि सोशलिज्म में भी, और ये जो अभी चीजें हो रही हैं यूरोप में, कहते हैं कि बहुत ज्यादा जी आप दे रहे हैं चीजें, फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक, अच्छी बातें दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी देखें पिछले 20-30 सालों में जो इनोवेशन ज्यादा, वो अमेरिका से आई है, अब चाइना से आ रही है, जो कि थोड़ा ज्यादा ब्रूटली आप कह सकते हैं ज्यादा कैपिटलिस्ट है। अगर आप ये देखें तो यूरोप में आपको स्टैग्नेशन थोड़ी सी नजर आ रही है। आप लाइक आगे भी जर्मनी में नहीं है? नहीं, जर्मनी में आप जो जर्मनी की जो कैक जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर पहली 10 कंपनियों को देखें जो आज से 20 साल पहले देखें कौन सी थी और आज देखें कौन सी, ज्यादा फर्क नहीं आपको नजर आएगा। आपको अमेरिका में इट्स कम्प्लीटली रिवर्स है। हाँ, ये देखें, ये आर्गुमेंट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एट व्हाट कॉस्ट। अब जैसे हम स्कैंडिनेवियन मॉडल की बात करते हैं, वो मॉडल तो अच्छा है, लेकिन देयर जीरो, व्हाट आर द स्कैंडिनेवियंस नोन फॉर? क्या बेचते हैं स्कैंडिनेवियन, क्या इन्वेंट करते हैं? कुछ भी नहीं। सो वो छोटे कंट्रीज हैं, दैट स्मॉल कंट्रीज, छोटे कंट्रीज को उस पे, उन प्रिंसिपल्स पे चलाया भी जा सकता है। लेकिन जब भी, चाहे वो इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ हो या हमारा रूपर्ट मर्डॉक ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ हो, इफ ही वॉन्ट्स टू क्रिएट वेल्थ तो वो अमरीका ही जाएगा, बिकॉज अमरीका में लो टैक्स है, अमेरिका में आपको आप सम पीपल वुड कॉल इट एक्सप्लॉयटेशन है, आप मार्केट को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, और वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है वैसे, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है, दैट इज यूरोप जो है, नॉट वेस्टर्न यूरोप, यूरोप जो है दैट इज द लार्जेस्ट, इसकी बाय परचेसिंग पावर यूरोप जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा, इसकी कुछ 770 मिलियन पॉपुलेशन है जी, और जी, उनकी परचेसिंग पावर भी ओवरऑल सबसे ज्यादा है। सो लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका इज द ड्रीम फॉर एवरी बिजनेसमैन, एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी इनोवेटर, क्योंकि वहां पे आपको जो मिलता है, और ये आपकी बात ठीक है, अब ये इलॉन मस्क वगैरह, ये स्टारलिंक और ये स्पेस एक्स और हर चीज वैसे अमेरिका में ही होती है। नहीं, उसकी वजह ये कि अमेरिका, मैं आपको बताता हूँ, मैं यानी ये स्टार्टअप्स वगैरह के काम में थोड़ा बहुत मेरा काम है, अमेरिका के अंदर जितनी ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो, और जितनी ईजिली लाइक मैंने अगर किसी, मैं किसी सीईओ को ईमेल भी करूँ, वो मुझे रिस्पॉन्ड कर देता है, लाइक फॉर बिलियन डॉलर प्लस कंपनीज की जो जिनका वैल्यूएशन है, फॉर एग्जाम्पल। यूरोप के अंदर कोई नहीं है, यूरोप के अंदर मैं रीच आउट भी करूँ तो मुझे कभी भी वो रिस्पॉन्स बैक कभी भी नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका इज परफेक्ट, मगर अगर आपने इनोवेशन कर देनी चाहिए नेशनलाइज थोड़ी सी, लेकिन आप बाकी नहीं कर सकते, बाकी तो है ही नहीं ना, बाकी तो कुछ रहता भी नहीं है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम वही आती है ना, वो पाई तो उतनी है ना, यू हैव टू टेक इट आउट, आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा टू कवर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा टू मेक यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री, तो ये सारी चीजें जो है, और वो जब उससे जाती हैं, तो जो बिलियनर जिसने बनना है, जिसने इनोवेशन करनी है, जिसने पैसा बनाना है, वो अपनी फैक्ट्री उठा के कहीं और ले जाएगा। मगर हारिस एक बात आप देखो कि अगर आप कहते हो कि यूनिवर्सिटी फ्री कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटीज बना दो कुछ जो फ्री हो, लेकिन आप यूनिवर्सिटी फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हार्वर्ड का बजट देखे हो या किसी MIT का देखो, जो आपके ख्याल में लाइक इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी, उसका $8 बिलियन उसकी एंडाउमेंट है। अब मुझे पता है, मैंने कुछ साल पहले की देखा था, अब शायद ज्यादा होगी, 10 होगी, हार्वर्ड की $32 बिलियन थी, मैं कुछ साल पहले की आपको फिगर्स बता रहा हूँ, मुझे आज की नहीं पता। तो मेरा कहने का मकसद ये कि वो आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा, इवन आपको यूनिवर्सिटीज प्राइवेट रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप स्टेट वाइज कर देंगे, इवन देन यू आर स्टॉपिंग उसका वो, क्योंकि अगर आप जो स्टेट वाइज जहाँ पे जो नेशनली रन यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, वो अभी भी अमेरिका के कॉम्पिटिशन में नहीं है इन रिसर्च प्रोडक्शन, अमेरिका के प्राइवेट आर आउट परफॉर्मिंग है एज एन एग्जाम्पल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे PayPal या Patreon पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।